हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आए थे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अभी मेरे दो एग्ज़ाम्स और रहते हैं। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद फिर आपको मेरे वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आज मैं अब मेरी कज़न्स की शादी है तो उसके लिए मैं कोई ड्रेस देखने जाऊँगी। तो मैं रेडी नहा के तो आ गई, रेडी होती हूँ, थोड़ी देर पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी और देखती हूँ मुझे कोई ड्रेस मिलती है या नहीं मिलती, और फिर मैरिज में जाएंगे कल। तो मुझे जो मार्केट जाना है, मार्केट तो सारा घुमाई हूँ, मुझे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। एक पसंद आया था महंगा, वो मैं देखती हूँ लेंगी या नहीं। बाकी मुझे इस कुरियर का बहुत टाइम से वेट था और ये आ ही गया, इसमें मैंने ड्रेस मंगवाई है, देखती हूँ कैसी आई। अगर अच्छी आई होगी तो मैं आपको डाल के जो दिखाऊंगी, नहीं अच्छी आई होगी तो मैं वैसे ही दिखा दूंगी आपको। तो देखती हूँ, आई होप अच्छी आई हो बस। तो गाइस, वो ड्रेस मैंने ट्राई करके देखी थी, साइज़ इतू सा थोड़ा प्लाजो है ना जो थोड़ा टाइट है, बाकी ऊपर से तो सही है। तो मैं अब क्या ही पहन के दिखाऊँ आपको, रिटर्न करनी पड़ेगी मुझे। इतना मुझे वेट था उससे कि मैं डालूँगी, मेरी ड्रेस भी अच्छी आई थी बट साइज़ की दिक्कत हो गई। बाकी अब रिटर्न करने का फ़ायदा नहीं है, परसों ही है मैरिज तो। और अब मैं पढ़ने के लिए आई थी ऊपर, नीचे गर्मी हो रही थी, ऊपर वाले रूम में एसी लगा हुआ है तो ऊपर आई थी। अब मैं पढ़ रही हूँ, एग्ज़ाम है मेरा कल, पढ़ने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। चश्मा लगा हुआ है मुझे, कैसा लग रहा है? बाकी तैयारी तो मैंने कुछ भी नहीं की है, जो ड्रेसेस हैं वही डालनी पड़ेगी अब तो। पहले बहन मासी की लड़की की शादी थी पहले, तो उसकी शादी की जो ड्रेसेस हैं वही वेयर करनी पड़ेगी। बाकी मैं फंक्शन ही कितने अटेंड करूँगी एक शादी का बस। तो गाइस, यहाँ पे शादी में जाने की पैकिंग हो गई है, कल तो मम्मी शी और ये जाएंगे। मम्मी का ही बैग पैक और पर्स, मेकअप किट सब कुछ तैयार हो गया। और मैंने ये ड्रेस मंगवाई थी गाइस, इसको अब ओपन करके मैं नहीं दिखाती, ये मैं रिटर्न करूँगी। शिव तेरी पैकिंग होगी? कौन सा ये वाला तेरा बैग? ये शिव का बैग एक, ये निखिल का, ये भी पैक करेगा कि ये मम्मी के दो बैग, अभी एक और पैक हो रहा है। और शिव स्पेशल ये स्प्रे लेके आया, हेयर स्प्रे, पता नहीं क्या जरूरत थी इसको, क्या जरूरत थी इसकी बता? कुछ नहीं थी। फिर क्यों लेके आया? ये गिफ्ट करेगा अपनी भाभी को हेयर स्प्रे, उनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो वो अपने बाल इस स्प्रे से सेट कर लेंगी। शादी है मेरे मासी के लड़के की और मेरी भाभी आएगी। नहीं आज हमारा एग्ज़ाम है, सेकंड लास्ट एग्ज़ाम आज हमारा, और हम सोच रहे हैं हम कैसे चीट बनाए सारे लगी हुई हैं ऐसे, हमारा सीटिंग प्लान आता है यहाँ तक सब। हाँ देखो, आज बड़ा मुश्किल पेपर है, कैसा होता है? आज बहुत टाइम बाद मैंने कॉलेज में ट्रिप ली है। साक्षी कैसे है? इसकी तो सही होती है, मैं शाबाश अच्छे से कर देगी, पेपर दिखाती कुछ भी नहीं है हम पढ़ रहे हैं। देखो कैसा होता है, बाकी अभी तो आधा घंटा पड़ा। क्या बताना? क्या तो जो बताना वही लिखे, नहीं मतलब जो दे रखा वही लिखे, पुस्तक दे रखी पुस्तक का नाम दे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे है। मैंने बीच में शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, मेरा एग्ज़ाम हो गया। अब सुबह के 5:15 बज रहे हैं और मैं अब मैरिज में जाऊंगी। एक तरफ तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ और एक तरफ मेरे साथ में चाय हो रही है। और अब बस 10-15 मिनट तक मैं निकलती हूँ, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, वहाँ पर जाके मिलते हैं, बताते हैं आपको कैसी मैरिज है, कैसा क्या सीन है। बाकी मेरा फिर आने के बाद फिर एक एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम रह जाएगा, इसके बाद फिर आपको कंटिन्यू ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। बाकी अब सब जा चुके हैं, मम्मी और तो एक दिन पहले ही चले गए थे, अब मैं जाऊंगी, फिर जाके आपसे आगे मिलते हैं।
बस थोड़ी देरी हुई है, मिल लो मम्मी से, बैठी हुई है यहाँ पे। बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ पे हल्दी का सेटअप तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हल्दी शुरू होएगी। मेरी हल्दी भी होएगी। बस ब्रेक और हो गया। ये तो सैंडविच है। ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ आपको क्या है। एक प्लेट ये ब्रेकफास्ट है। आलू के परांठे और पनीर के, जो भी जिसको सूटेबल हो। इनके अच्छे चेहरे दिखाओ, अच्छे चेहरे जो है वही आएंगे, अच्छे कहाँ से लाएंगे। हाँ भाई अच्छा ही है, अच्छी लग रही है, कटिंग भी अच्छी लग रही है आपकी। नाश्ता ले लिया, आप भी करिए। ये भी डाल रही है सैंडविच है, पूरी तैयार ही बताओ। तुम देख कर लेना, खा ले 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 वो लोग भी आ चुके हैं। अंदर से चलेगा, अब सिस्टम बैठेगा, अब डीजे मिलेगा। एक तीन चार में आपका क्या लगे, रोटी खाने के चार में इसमें क्या है।